1 minus 1 upon a. So function is not continuous. कर लो करो फटाफट करो. हाँ जी चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इनटू साइन ऑफ पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन. एक तो आपने बतानी है डोमेन ऑफ द फंक्शन और दूसरा बताना है पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी. डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एंड द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. क्या वन डोमेन बता रहे हो, क्या बता रहे हो, क्या पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी बता रहे हो? ना बहुत सारे हैं. डोमेन बोलो पहले तो. What is the domain of this function? ये function कहाँ पर defined नहीं होगा? जहाँ पर ये चीज़ zero हो जाए, क्योंकि तब ये infinity undefined हो जाएगा pi upon zero. So मुझे ये जहाँ जहाँ पर zero बने वो वाले point domain का part नहीं हो सकते. यहाँ तो x को जो मर्जी दे सकते हो. ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वन को जीरो करना है तो वैल्यू x प्लस वन की कहां से कहां मेरी करनी चाहिए? जीरो और वन के बीच. इट मीन्स x प्लस वन शुड लाई बिटवीन जीरो एंड वन इंक्लूडिंग जीरो एक्सक्लूडिंग वन. तो x की वैल्यू माइनस वन से लेकर के जीरो के बीच में जब होगी तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. तो डोमेन क्या हुई? मैं बोल दू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन जीरो से इंफिनिटी. पॉजिटिव तो कुछ भी ले सकता है वाली. अगर x माइनस वन होगा तो ये जीरो हो जाएगा ना. सो माइनस वन इंक्लूड नहीं हो सकता. सो ये है मेरी डोमेन. अब डिस्कंटिन्यूटी बतानी कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर नहीं. यहाँ तो आपने कह दिया जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं. व्हाट अबाउट दिस? ये भी तो साथ में है ना. मेरे पास x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए. इस इंटरवल को निकाल दिया तो बाकी बचा हुआ इंटरवल ये है. सो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन.
नहीं करती। ये बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस कहां पर है, जब x इंटीजर होगा। और हम कह रहे हैं यहाँ पर x इसके अलावा और कोई भी वैल्यू ले सकता, मतलब इंटीग्रल वैल्यू नहीं लेगा। अरे x को अगर जीरो ले लो तो क्या दिक्कत है, अब ध्यान से सुन लो। ये हमने कहा अपनी डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस रहते हैं फंक्शन साइन फंक्शन, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में ऐसा नहीं है ना। जहां जहां पर x इंटीग्रल वैल्यू लेगा वहां वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस। कहां कहां पर, जहां जहां पर ये इंटीजर हो गया और वो इसकी डोमेन में भी लाई कर जाएगा तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं मेरे पास। यहां पे आप बोलोगे दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स intersection the domain of function at all the points, जहां पर integer और domain of function ये दोनों coincide कर जाएंगे उन सभी points पर हमारा function जो है वो discontinuous हो जाएगा। एक और लिख लो फिर डिफरेंशियबिलिटी पे चलते हैं। देखो जी क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड सेटिस्फाइज द रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस विद इन द ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू रूट थ्री माइनस थ्री माइनस रूट थ्री। f of x is a continuous function and justifies this this into f of x is equal to 0 for all x belonging to R. Then find the value of f of root 3. Find the value of f of root 3. नहीं कहीं कुछ नहीं है। जब भी देखो यहाँ पर आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं और क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं हो तो उसको फ्रैक्शन पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकर के नहीं चलना। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ ऑफ रूट थ्री की वैल्यू चाहिए। कर दो जरा जल्दी से। निकालो पहले इस पूरे फंक्शन में से, यहां से एफ ऑफ एक्स यहां पे आ रहा है, एफ ऑफ एक्स यहां पे आ रहा है, इसको निकालो पूरे के एफ ऑफ एक्स निकालो क्या आ रहा है, फिर उसकी लिमिट चाहिए। किस पर लिमिट निकालोगे, किस पॉइंट पर डिस्कस करोगे लिमिट। किसी भी पॉइंट पर मुझे चाहिए क्या, एफ ऑफ रूट थ्री चाहिए तो किस पॉइंट पे करोगे, एक्स अप्रोचिंग रूट थ्री पे। जो लिमिट की वैल्यू होगी वही फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। इज द क्वेश्चन क्लियर। अब इसमें से फटाफट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल के बता दो मुझे क्या, ये जल्दी करना जरा, टाइम मत लगाना। क्या चीज कहां से आ गया बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, तो डिटरमिनेंट कहां से आ गया, डिटरमिनेंट या डेरिवेटिव पहले तो अच्छा नहीं नहीं ये तो इक्वल टू जीरो बोला है मैंने, ग्रेटर देन जीरो तो नहीं बोला, और वो डिस्क्रिमिनेंट बोलो ना, खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो और मुझे भी कर रहे हो।
हाँ जी, क्या निकाला यहाँ से f of x? x square minus 2x plus 2 root 3 minus 3 upon root 3 minus x. यहाँ से f of x into x को इस और ये minus root 3 f of x को दूसरी तरफ shift किया, बाकी सारी terms without f of x. अब मुझे चाहिए क्या? मुझे इस function की limit चाहिए as x is approaching root 3. ऊपर वाले के आप factors बना लो. एज सच नहीं बना सकते तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करके बना लो. कर लोगे कंप्लीट इसको? फटाफट करो. एक फैक्टर तो क्लियर है, रूट थ्री माइनस एक्स बनेगा इसका. दूसरा क्या बनेगा वो देख लो. बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगा लो. माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. चार सोलह, सोलह में से अगर मैं चार को बाहर निकालूं तो चार माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू. अब इसको कैसे लिखोगे? अंडर रूट फोर माइनस टू रूट थ्री से कैसे सिंप्लीफाई करें? ये आ गया वन प्लस माइनस अंडर रूट फोर माइनस टू रूट थ्री. इसको किसी तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो? क्या कर रहे थे? हाँ, या रूट थ्री माइनस एक्स से डिवाइड करके दूसरा फैक्टर निकालो, एक वो तरीका हो सकता है. या क्वाड्रेटिक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर इसी से सॉल्व कर लो. दोनों में से कुछ भी कर सकते हो. अब यहाँ पर देखो, फोर माइनस टू रूट थ्री को टू माइनस रूट थ्री का स्क्वायर लिख सकते हो. यहाँ से आ रहा है 12 प्लस 4, 16, 16 में से मैंने 4 को बाहर निकाल दिया तो 2, यहाँ 4 ही बचेगा ना. 4 माइनस 2 रूट 3. ना, 2 माइनस रूट 3 नहीं बचता, 1 माइनस रूट 3, 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 माइनस 2 रूट 3 कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर. तो मेरे पास यहां से जो x की वैल्यू आ रही है 1 प्लस माइनस 1 माइनस रूट 3. तो एक तो आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस रूट 3 और एक वैल्यू हो रही है आपके पास रूट 3. तो एक फैक्टर हुआ x माइनस रूट 3 और दूसरा x माइनस ऑफ 2 माइनस रूट 3 और उसमें x को रूट 3 डाल के आपको आंसर चाहिए. ठीक है, आप फैक्टर्स निकाल दिए, अब तो कर लोगे. चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी. राइट डाउन कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. इसका आंसर है आपके पास f ऑफ रूट थ्री आना चाहिए 2 इंटू 1 माइनस रूट थ्री. कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस 2 माइनस टू रूट थ्री. हाँ जी, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. अगर मेरे पास है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और मुझे इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन आई हैव टू डू टू थिंग्स. फर्स्ट,
I have to prove g of x is continuous at x is equal to it. Second, I have to prove f of x is continuous at g of a. If I can prove these two things, I can say the function f of g of x is continuous at x is equal to a. f of g of x को continuous करना at x is equal to a, दो point करने पड़ेंगे. पहली चीज, जो g of x function है, इसको x is equal to a पर continuous करना पड़ेगा. और f of x जो function है, उसको g of a पर continuous करना पड़ेगा. Note करो फटाफट, फिर मैं question बताऊं. मेरे पास फंक्शन है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट एक्स इज इक्वल टू वाई. ठीक है, मैं क्या इस फंक्शन को दो फंक्शंस में ब्रेक कर सकती हूँ, एक मॉड एक्स एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. इन दोनों का कंपोजिशन हो जाएगा. अब अगर मुझे इसे f ऑफ g ऑफ x की फॉर्म में लिखना हो तो f ऑफ x फंक्शन कौन सा और g ऑफ x फंक्शन कौन सा. f ऑफ g ऑफ x अगर मैं इस हिसाब से करूं तो ये फंक्शन आ रहा है मेरे पास. मैंने क्या कहा, अब क्या प्रूव कर दूं मैं, g ऑफ x को कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, मतलब एट x इज इक्वल टू पाई. इस फंक्शन में लिमिट x अप्रोचेस पाई साइन x प्लस कॉस x, ये मुझे बताना है क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है. कंटिन्यूस है. और दूसरी चीज क्या प्रूव करने को बोली मैंने, f of x दैट इज मॉड x को कंटिन्यूस बताना है एट g ऑफ a, मतलब g ऑफ पाई पर. हाँ जी, सिंपल x को अगर आप पाई पुट करते हो, व्हाट इज साइन पाई, व्हाट इज कॉस पाई, माइनस वन वैल्यू आ गई. इस लिमिट की वैल्यू माइनस वन है. व्हाट इज जी ऑफ पाई, माइनस वन. इसका मतलब कंटिन्यूस हो गया. अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट जी ऑफ पाई. इट मींस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. तो मुझे क्या चाहिए, लिमिट x अप्रोचेस माइनस वन मॉड x, इज इट कंटिन्यूस. g ऑफ x की लिमिट एट x इज इक्वल टू पाई क्यों, क्या मॉड फंक्शन माइनस वन पर डिसकंटिन्यूस है. मॉड फंक्शन तो कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस. ये कंडीशन देखो, ये दो कंडीशन देखो क्या बोली. g ऑफ x, हियर g ऑफ x इज साइन x प्लस कॉस x, दिस इज टू बी प्रूव टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, हियर a इज पाई, सो इसकी लिमिट पाई पर और इसकी वैल्यू पाई पर बराबर होनी चाहिए. सेकेंड पॉइंट क्या, हाँ कंटिन्यूस है. f ऑफ x को कंटिन्यूस करना है एट g ऑफ a,
यहाँ पर g फंक्शन ये a है पाई, तो g ऑफ पाई दैट इज माइनस वन पर किसको करना है, f ऑफ x को कंटिन्यूस एट जी ऑफ वैल्यू f x। भाई यहाँ से जो वैल्यू आई उसको डालना कहीं नहीं है, उस पॉइंट पर f ऑफ x की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, समझ गए। अब मुझे क्या निकालना है, लिमिट x अप्रोचेस माइनस वन मॉड x, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, माइनस वन प्लस एच का मॉड और माइनस वन माइनस एच का मॉड, लिमिट एच इज अप्रोचिंग जीरो, दिस विल बी वन, दिस विल बी वन, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट माइनस वन इज ऑल्सो वन, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, दोनों कंडीशन जस्टिफाइड है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस थ्रू आउट। ये पॉइंट नोट कर लो, कहां कहां पर आपको किस चीज की कंटिन्यूटी बतानी है। करो फटाफट फिर डिफरेंट